आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे चावल का बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता। ये आप सुबह या शाम में चाय के साथ आराम से खा सकते हैं और ये खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। देखिए ये कितना फ्लफी और टेस्टी बना है, देखने से ही आपको पता लग रहा हो। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हम कच्चे चावल का नाश्ता बनाने के लिए 250 ग्राम अरवा चावल ले लेंगे। इसको मैंने 4 घंटे पानी में सोख करके रख दिया था। अब इसे हम एक जार में पीस लेंगे। चावल को हमने मिक्सी में डाल दिया है जार में। अब इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे और जैसा तीखा आप खाते हो उसके अनुसार हम हरी मिर्च डाल देंगे और इसमें दही डालेंगे 2 चम्मच। और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करना है हमें। इसे अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे और ग्रेट किया हुआ कद्दू डाल देंगे। कद्दू इसमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना है, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और गोल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम इनो डालेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं हो तो आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनेगा और फूला फूला दिखेगा। इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। हम एक तवा गरम कर लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल हम बहुत कम ही डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे और अपने बैटर को हम इस तरह से डालेंगे इसमें और फैलाएंगे। और एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। इस तरह से हमें फैला देना है अच्छी तरह से। एक तरफ से ये पक गया है, अब इसे हम पलट देंगे। बहुत आसानी से पलटा जाता है, देखिए इस तरह से। इधर साइड भी लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक गया है। देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा दिख रहा है, फ्लफी दिख रहा है हमारा नाश्ता, फूला फूला। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर दूसरा नाश्ता भी हम इसी तरह से बना लेंगे। फिर थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसमें तेल भी बहुत ही कम लगता है दोस्तों, इसीलिए हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हम दूसरा को भी बना लेते हैं और इसे फैला लेना है और फ्लेम को एकदम लो रखना है ताकि हमारा नाश्ता अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसी तरह इसको हम एक साइड से पकने देंगे। एक तरफ से ये पक गया है दोस्तों, अब इसे हम पलट लेंगे। ये बहुत ही आसानी से पलटा जाता है, इसे भी हम दूसरे साइड अच्छी तरह से पकने देंगे। हमारा दूसरा नाश्ता भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे नाश्ते को हम बना लेंगे। हमारे कच्चे चावल का नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी है दोस्तों। ये बहुत ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए ये आप देख के ही अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। देखिए इसे मैं और पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए लग रहा है ना फ्लफी, एकदम एकदम फ्लफी और एकदम मज़ेदार नाश्ता। आप इसे सुबह में या शाम की चाय के साथ आराम से खा सकते हैं। देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना फ्लफी और कितना क्रिस्पी है। देखिए देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। आप आराम से इसे
शाम की चाय या सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।